आप लोगों को पता होगा हमारा वर्ल्ड सीरीज खत्म हो चुका है और हमारी वर्ल्ड सीरीज की विनर टीम का नाम है अटैक ऑलराउंड। और आप लोग बैकग्राउंड में पॉइंट टेबल देख सकते हो, पहले नंबर पे है अटैक ऑलराउंड जिनके पॉइंट है 92, दूसरे नंबर पे है इवोस फोनिक्स जिनके पॉइंट है 91। अब आप लोग यहाँ पर खुद देखो, एक पॉइंट से अटैक ऑलराउंड टीम वर्ल्ड सीरीज की चैंपियन बन गई। अब अगर मैं आप लोग से बोलूं टीम लाउड ने अटैक ऑलराउंड टीम को हेल्प की वर्ल्ड सीरीज जीतने में, तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बोलोगे, भास्कर भाई आप ये क्या बोल रहे हो, हमको प्रूफ के साथ दिखाओ कि टीम लाउड ने अटैक ऑलराउंड टीम को हेल्प की टूर्नामेंट जीतने में। तो पहले आप लोग एक क्लिप देखो, और याली क्लिप के वजह से ही इवोस फोनिक्स एक पॉइंट से वर्ल्ड सीरीज की चैंपियनशिप हार जाती है, और याली क्लिप में ही टीम लाउड भी है। तो आप लोग याली क्लिप ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा टीम लाउड ने अटैक ऑलराउंड टीम को कैसे हेल्प की वर्ल्ड सीरीज जीतने में, सब कुछ समझाऊंगा। तो पहले आप लोग याली क्लिप एंजॉय करो और फिर आपकी पिटाई कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एफआरजी ने एक ऐसा हाउस कंपाउंड कैप्चर कर लिया जिसके अंदर ऑलरेडी एक रिवाइवल पॉइंट है। जी बिल्कुल, तो वो जैसे प्लेयर खत्म हो रहे हैं एक प्लेयर जा रहा है टोकन लेकर के वो रिवाइव देकर आ जा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे जिस तरीके से इवोस फिनिक्स ने घेर रखा है, ये एक प्लान है कि हम नहीं छोड़ेंगे ये कंपाउंड, आप हमारे जितने प्लेयर मारने मारो, हमारे प्लेयर ओपनली खेलेंगे पर हम बार बार रिवाइव होकर के आएंगे। गैटबू के बारे में बात करते हैं, इस टाइम पे उनको रिवाइव देने की सख्त जरूरत है। मोशी उनके पास जा रहे हैं बट मोशी डाउन हो जाएंगे क्योंकि इस टाइम पे जो लाउड है वो कह रही है ना देखो करके साइलेंस करते हुए आ रहे हो, पर अभी इस टाइम पे लाउड रॉर की बात चल रही तो लोगों तो इनका टाइगर का है। मतलब ये आपका जो शेष करने का तरीका था अर्जी लाजवाब, मतलब मजा आ गया सुन के। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पे फाइट की बात कर ले तो जी हाँ गाइस, ऑलमोस्ट ये गेम यहाँ पे वाइप आउट होने वाला है। फिनिक्स का भी तो प्रॉब्लम है, हम लोगों को दिखाई जरूर दे रही है, डिवाइन हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एफआरजी अभी अगर आप देखेंगे लाइक कोई बात है ना, जाने से पहले एक छाप छोड़ने की कोशिश करे, और अजी पूरा टूर्नामेंट जैसा गया हो आई नो उनके लिए इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल जाने से पहले लाइक होता है दिमाग में यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है उनके दिमाग को छोड़ना चाहते कि बस हाँ एक ये टीम आई थी जिन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिया जरूर था। लेकिन ट्रिपल ए फिलहाल यहाँ पर फाइट लेते हुए दिखाई दे रही है, M05 को यहाँ पर फिलहाल टेक डाउन किया गया, और यहाँ पर फिलहाल फिनिक्स के मेंबर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन ग्लू होल उनके पास दिखाई जरूर दे रही है बट वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक सकता है। लेकिन इवोस डिवाइन ने भी अपने एक प्लेयर को यहाँ पर गवा दिया है। ट्रिपल ए यहाँ पर फिलहाल जरूर एक किल ले चुकी है, लेकिन अगेन यहाँ पर डिवाइन के लिए प्रॉब्लम यह है कि उनको यहाँ पर जोन के अंदर जाना है, और जो रोटेशन वो फिलहाल डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। लेकिन अब आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, अब मैं आप लोगों को अच्छे समझाता हूँ टीम लाउड ने अटैक ऑल राउंड टीम को कैसे हेल्प किया वर्ल्ड सीरीज जीतने में। वर्ल्ड सीरीज के टूर्नामेंट के 5 मैच खत्म होने के बाद पहले नंबर पर चल रही होती है इवोस फोनिक्स जिनके होते हैं 91 पॉइंट, दूसरे नंबर पर चल रही होती है अटैक ऑलराउंड जिनके होते हैं 76 पॉइंट। तो अगर अटैक ऑलराउंड की टीम को टूर्नामेंट जीतना है, मतलब वर्ल्ड सीरीज का टूर्नामेंट जीतना है, तो उनको 16 पॉइंट चाहिए होंगे। तो अब स्टार्ट होता है लास्ट मैच, लास्ट मैच होता है परगेट्री का। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लास्ट मैच तो कालाहारी का चाहिए था, तो वर्ल्ड सीरीज में फॉर्मेट थोड़ा अलग चल रहा था, पहला मैच बरमुडा, दूसरा मैच कालाहारी, तीसरा मैच परगेट्री चल रहा था, तब उनका लास्ट मैच परगेट्री का था। तो अब स्टार्ट होता है लास्ट मैच होता है परगेट्री का। तो परगेट्री के मैप में इवोस फोनिक्स उतरती है मौत हाउस, और एक दो जोन भी मौत हाउस में ही बनते हैं, तो इवोस फोनिक्स मौत हाउस में ही होल्ड करती है। अब जो टीम लाउड होती है वो इवोस फोनिक्स से 4v4 फाइट लेना स्टार्ट कर देती है, और वो इवोस फोनिक्स को एलिमिनेट कर देती है। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये होती है, इवोस फोनिक्स 12th नंबर पे एलिमिनेट हो जाती है, और उनके किल भी 0 ही होते हैं, तो उनको किल के 0 पॉइंट मिलते हैं, और 12th नंबर पे एलिमिनेट होने की वजह से उनको पोजीशन पॉइंट भी 0 मिलते हैं। और दूसरी साइड जो ट्रिपल ए की टीम होती है, ट्रिपल ए से मेरा मतलब है अटैक ऑलराउंड, वो याले मैच में बहुत खतरनाक परफॉर्म करती है, वो याले मैच में टोटल 10 किल करती है और 5th नंबर पे एलिमिनेट होती है, तो उनको किल के 10 पॉइंट मिल जाते हैं, और 5th प्लेस पे एलिमिनेट होने की वजह से उनको पोजीशन पॉइंट भी 6 मिल जाते हैं। तो टोटल ट्रिपल ए की टीम के 16 पॉइंट हो जाते हैं। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था ट्रिपल ए की टीम को 16 पॉइंट चाहिए वर्ल्ड सीरीज जीतने के लिए, तो यहाँ पर ट्रिपल ए की टीम वर्ल्ड सीरीज जीत जाती है और सेकंड नंबर पे आती है इवोस फोनिक्स। अब आप लोग एक चीज कुछ सोचो, अगर यहाँ पर टीम लाउड इवोस फोनिक्स को 12th नंबर पे एलिमिनेट नहीं करती, तो इवोस फोनिक्स याले मैच से 3 या 4 पॉइंट तो आराम से निकाल लेती और वो वर्ल्ड सीरीज की चैंपियन आराम से बन जाती। बट यहाँ पर टीम लाउड इवोस फोनिक्स को 12th नंबर पे एलिमिनेट कर देती है, जिस वजह से उनको याले मैच से एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। और दूसरी साइड जो ट्रिपल ए की टीम होती है, वो याले मैच से बहुत खतरनाक परफॉर्म करती है और वो वर्ल्ड सीरीज की चैंपियन बन जाती है। तो यहाँ पर टीम लाउड ट्रिपल ए के लिए भगवान बन के आती है, क्योंकि वो इवोस फोनिक्स को 12th नंबर पे एलिमिनेट कर देती है। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो 1K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।